प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सू कैंप इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फुट फैशन। हाय दोस्तों, मैं हूं शालिनी खन्ना और हम आए हैं एक नए एपिसोड में। जी हां, हम हैं सू कैंप प्रेजेंट सीटीवी सेल्स का बाजीगर के नए एपिसोड में। सेल्स का बाजीगर बनने के लिए यूपी और उत्तराखंड के 8 शहरों से हजारों लोगों ने दस्तक दी, लेकिन चुने वही गए जिनमें जोश था, जुनून था, आगे बढ़ने की इच्छा थी। अब तक आपने देखा कि कैसे कड़े टेस्ट से गुजरते हुए हमारे जजेस ने आखिर चुने वो 10 लोग जो होंगे नौकरी के हकदार। 8 शहरों में हजारों लोगों ने ऑडिशंस दिए। एक के बाद एक कड़े राउंड से गुजरते हुए पार्टिसिपेंट्स कभी हंसे तो कभी रोए, कभी किसी ने बाजी मारी तो कहीं लोगों के सपने भी टूटे। नौजवानों की इस भीड़ में आज हमारे सामने वो 10 नाम हैं जो इस सेल्स टैलेंट हंट के असली महायुद्ध के मैदान में उतरेंगे। 2 प्रदेश, 8 शहर, सुकैम और ईटीवी का ये एफर्ट सेल्स का बाजीगर। जी हाँ, ये बहुत लंबे सफर से गुजरा है। आइए चलिए देखते हैं ये कंटेस्टेंट्स इस शो में कैसे जुड़े और यहाँ तक पहुँचने का उन्हें हौसला कैसे मिला। ये है निशांत, स्वभाव से शांत और खाने के बेहद शौकीन। आइए झांकते हैं इनकी दुनिया में। मैंने डीएवी ज्वाइन किया था तो उस समय निशांत 6 महीने का था, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा कि इसको कैसे संभालूंगी। तो मैंने उसको अपनी नानी के घर भेज दिया, तो वहाँ इसकी मौसी ने उसको संभाला है। और जब वो वहाँ से वापस आया 4 साल के बाद, तो इतना शैतान हो गया था कि मुझे इतना संभालना इसको बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं क्या करूँगी, इसको कैसे संभालूंगी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड थोड़े स्ट्रिक्टनेस उसमें ज़्यादा थी, तो उन्होंने इसको धीरे धीरे संभाला। फिर मैंने इसको जाना कि ये लड़का मतलब इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन इसके खाने की आदत भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारा घर चांदनी चौक में था, तो क्या करते थे हम रास्ते में, मैं इसको जब लेके जाती थी, जैसे ही मैं शाहदरा उतरती थी तो वहाँ उसको ब्रेड पकौड़े नज़र आ जाते थे कि मम्मी मुझे ब्रेड पकौड़े खिलाओ। तो ऐसे खाते खाते हम चांदनी चौक पहुँच जाते थे। निशांत शर्मा की जो क्वालिटीज़ है, डेडिकेशन, हार्ड वर्कर, नॉलेज और कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड साथ काम कर रहा है। और जब इसको मौका मिला कौन बनेगा सेल्स का बाजीगर, तो मैंने इसको मोटिवेट किया और उसको कहा कि जाओ निशांत और पूरी ईमानदारी से ट्राई करो। मेरी अपने लाइफ से लेकर बहुत ही एक्सपेक्टेशन है। बेसिकली मेरी जो इच्छा है कि मैं लाइफ में इकोनॉमिकली फ्रीडम होना चाहता हूँ। फर्स्ट कि मैं नहीं चाहता कि जो बचपन से मैं सिनेरियो देखता आ रहा हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली का, मैं चाहता हूँ उससे बाहर निकल के मैं उड़ना चाहता हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो मैंने बचपन से देखी है। हम दोनों एक दूसरे को पिछले 8 सालों से जानते हैं। इन 8 सालों में उसके और मेरी लाइफ, दोनों के लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग टाइम आया है, लेकिन हमने उस सिचुएशन में भी एक दूसरे का साथ दिया था और आज भी हम एक दूसरे के साथ हैं। निशान ने जिस दिन मुझे ये न्यूज़ दी थी कि मैं सेल्स का बाजी का शो में जा रहा हूँ, मुझे उसी दिन विश्वास हो गया था कि वो ये शो ज़रूर जीतेगा। उसने अभी तक खूब स्ट्रगल करा है और मैं भी उसकी तरह एक प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ। फिटनेस फ्रीक ऋषि इकबाल, देखते हैं इनके परिवार का इनके बारे में क्या कहना है। मेरे को आज बड़ा गर्व है कि ऋषि आगे बढ़ रहे हैं, और ऋषि में बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारी शरारतें हैं। एक जो सबसे अच्छी बात कहूँ या गलत कहूँ, यह कि अपने काम में इतना बिजी हो जाता है ना, ये सब भूल जाता है। जब इसने आके बोला कि मुझे सुकैम जैसी कंपनी में मम्मी जॉब ऑफर आई है, मैंने कहा है, हम तो सोचते थे कि हमारा बच्चा इतना एक्सीलेंट काम नहीं करेगा जिसमें उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसने फ़ोन किया, मम्मी ज़रा टीवी ऑन करना, और जैसे ही हमने टीवी में देखा, वाओ, एक तो इंटरव्यू लेने वाले इतने एक्सपर्ट, उनके बोलने का तरीका, और जब ये स्टेज पे आए, मेरा तो टीवी देखते देखते ही हाथ कांप रहा था, पर जब इसका सुना तो लगा यस, प्राउड फील हुआ कि मेरा बच्चा है। मैं ऋषि को पिछले 3 साल से जानता हूँ, हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हैं पहले, पर जब हमने साथ में MBA करा, वो दैट वाज द टाइम जब हम दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन में है, डांस बोले, स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट है, बी एट दैट, और जस्ट अ वेरी फैक्ट दैट हम दोनों को भागना बहुत पसंद है, बी एट जॉगिंग या फिर लड़कियों से दूर भागना, क्योंकि सब हमारे पीछे बहुत पड़ती रहती हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, और मुझे लगता है कि जहाँ भी ये जाएगा अच्छा ही काम करेगा। श्वेता झा, परिवार की बेहद लाडली बेटी, इनकी जिंदगी की क्या कहानी है, आइए सुनते हैं। बचपन से तो ये बहुत सीधी सादी लड़की रही है, और बहुत ज़्यादा नटखट नहीं रही, लेकिन खेलने में इसको बहुत मन लगता था। पिछले 4-5 साल से मैं काफ़ी
कम रहा हूँ घर पे और दीदी से भी कम मिला हूँ, लेकिन जब भी मिलता हूँ एक दिन अच्छे से रहता हूँ और दूसरे दिन लड़ाई करता हूँ, और मुझे इसी में सुकून और चैन मिलता है, और मुझे पता है उसको भी इसी में अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक हम लोग लड़े नहीं दूसरे दिन तक, तब तक हमें नींद नहीं आती अच्छी तरह से। और जहाँ तक बात रही उसके आदतों की, तो वो बहस बहुत ज़्यादा करती है और उसके ख्याल से मैं भी बहुत ज़्यादा बहस करता हूँ। ड्रीमर बहुत है, अभी भी है, पहले भी थी, हमेशा इसको यही था, मैं मुझे बहुत बड़े आदमी बनना है, मुझे बिजनेसमैन जैसे काम करना है, ये सब बहुत सारे ख्वाबें इसकी थी। और पढ़ाई बहुत करती है, शुरू से ही करते आई है, लेकिन जितनी मेहनत करती है उसे इसका रिजल्ट उस इसमें नहीं आता है। श्वेता बहुत कल्चर्ड और बहुत ही सिंसियर लड़की मेरे को लगी है। जितना भी मैंने इसके साथ कांटेक्ट किया है तो ये मेरे से एज में बहुत छोटी है, पर हमेशा बहुत फ्रेंडली रहे हम लोग। छोटी छोटी सी बातें पहले से आके मुझे बताती थी। अभी इसने जब ये सेल्स का बाजीगर में इसका सिलेक्शन हुआ था, तब भी इसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। पर जैसे ही मैं आई तो इसने बहुत एक्साइटेड वे में मुझे बताया, तो मुझे बहुत ही मज़ा भी आया और अच्छा लगा। टैलेंट इसमें बहुत है, लेकिन टैलेंट लोग समझ नहीं पाते थे इसके, और शायद इसी के लिए ये सेल्स का बाजीगर आया, जिसने इसका टैलेंट देखा, समझा, और आज ये सेल्स के बाजीगर में टॉप 10 में आई है। मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटी पर, यहाँ तक पहुँची है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ज़रूर जाएगी। आशुतोष की जिंदगी के कुछ खास पहलू से रूबरू करवाते हैं। बहुत शरारती था, पढ़ने में तो ठीक ठाक था, बहुत अच्छा था, स्कूल में जाता था, जो पढ़ा जाता था वो रट लेता था, पढ़ लेता था, लेकिन शरारती इतना था कि वो क्लास करना नहीं चाहता था। उसकी बेस्ट क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है और मतलब अच्छा है, मेरी उससे सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है। बचपना तो इसका बहुत नटखट था, छोटे में सबको गाली दे देना या कुछ कर देना, लेकिन अब तो बहुत अच्छा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बिल्कुल शरीफ है। वही नटखटपना जो है छोटाई में था कि मतलब स्कूल से भगाता था कि हम नहीं जाएंगे, हमको जो है डर लगता है मास्टर साहब मारेंगे। सब लोग बहुत खुश हैं, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, इवन मतलब मेरे घर में काम करने वाले लोग भी बहुत खुश हैं। मैंने उनके चेहरे की खुशी देखी, मुझे मतलब इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता, जैसा लग रहा है कि हाँ मैंने मतलब आज कुछ ऐसा कर दिया है अपने घर वालों के लिए, अपने इस गांव के लिए, अपने इस पूरे परिवार के लिए, कि मुझे आज अंदर से एक अच्छी सेटिस्फैक्शन आज लग रहा है कि मैंने मुझे मेरे होने का कोई मतलब है। Presenting sponsor SuCamp in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Foot Fashion. Muzel Messi dog lover हैं, ये तो दिख रहा है। और क्या पसंद है Muzel को, देखते हैं। Muzel को एनिमल्स से बहुत शौक है, डॉग्स पेट्स हैं हमारे पास हैं भी डॉग्स, ही लव्स पेट्स। बहुत प्यारा बच्चा है, बचपन से ही इसको मैंने लुक आफ्टर किया है, और ये मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, और ये हर एक काम मतलब अपने आप करना चाहता था। जो मैं इसको रोकती थी तो ये कहता था मेरे को रोकती क्यों हो तुम। बहुत ज़्यादा शरारती था वो बचपन में, कुछ उसकी ऐसी हैबिट्स थी जैसे कंप्यूटर खोल देना या टीवी चल रहा है उसको पेचकस से ओपन कर देना, बाद में सब कुछ खोल खाल के फिर दोबारा उसको रिपेयर करके लगाता था। उसको मना करती थी, मानता नहीं था, जाके अपनी नानी से शिकायत करता था, और लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत किया है। समझता था बात को कि क्या है क्या नहीं है। मैंने भी जॉब करी, आज मुझे बहुत खुशी है कि ये अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है। एक बड़ी अच्छी आदत है इसके अंदर कि बहुत ही दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिंड है काफ़ी, जो ठान लेता है वो करनी है,
कैसे भी करनी हो चाहे। एक बार स्कूल में फुटबॉल खेलते वक्त मैंने इसको टॉन्ट मारा था कि तू अच्छा नहीं खेल रहा है, तू क्या कर रहा है। काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर मैंने इसको बोला तो इसको लग गई, तो इसने ठान ली कि मुझे साबित करके दिखाएगा। अगली बार जब मैं बॉल लेके भाग रहा था गोल दूसरे गोल पोस्ट की तरफ, मुझे ज़मीन में धम धम की आवाज़ आई और मैंने रियलाइज़ क्या किया कि ये मुझसे तेज़ दौड़ रहा है और इसने मुझे पूरे रास्ते में मेरे से पहले गोल तक पहुंच गया। मैं इसको दौड़ता वक्त अपनी तरफ आते हुए देखकर मैं इतना एक सेकंड के लिए घबरा गया कि मैंने बॉल छोड़ दी। गोल सामने था पर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। यूजुअल सिक्स्थ में था जब मैं बहुत बीमार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी मेरी। इसने उस टाइम इसने गैप लेके लीव लेके स्कूल से इसने मेरी बहुत सेवा करी है और इसने छोटे छोटे नर्सरी के बच्चों को घर में ट्यूशन्स पढ़ाई हैं। और मुझे वो टाइम पीरियड इसका आज भी याद है जो इसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। इसको मैंने बचपन से पाला है, इसको मैं जानती हूँ कि ये मेरे साथ इसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा इतना स्टैंड हो रहा है। सेल्स का बाजीगर में ये इसने एंट्री करी है और मैं बहुत प्राउड हूँ कि ये यहाँ तक पहुँचा है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि यूजीएल जो है वो इसमें फर्स्ट प्राइज लेके ही आएगा। इनकी जिंदगी की क्या कहानी है आइए सुनते हैं। शरारत के बारे में आपको बता दूं कि बहुत शरारती था ये और तमाम इसके ऐसे ऐसे हरकत थे कि झूमना गाना नाचना और बदमाशी करना, फिर इसके बाद दो दो हाथ से पंखी डुलाना कोई आ जाए, बाल्टी में दो दो हाथ से पानी भर के ले आना और तमाम तरह की शरारतें इसको मैंने देखा। उसका बचपना तो समझे बहुत ही शैतान था, वो इतना शैतान था कि उसको बांध के रखते थे रस्सी से कि मतलब ये बाहर न जाए, बाहर चला जाता था हमेशा वो और उसको हमेशा बांध के रखते थे। बहुत हर एक चीज़ गिराता रहता था वो अंदर रूम में, तो इसको इसीलिए कभी कभी तो इतना शैतानी करता था इसका हाथ पैर बांध के चौराहा है उस पर बांध के इसको खड़ा कर दिए थे, इतना शैतानी करता था ये। मेरे भाई से आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न कॉन्फिडेंस एंड एक्टिंग क्वालिटी, मीन्स हाउ ही मैनेजेस द सिचुएशन, आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न सच टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। वो आज टीवी में सेलेक्ट हो गए हैं और मुझे आशा है कि जिस तरह ये जनपद के तमाम आयोजनों में अपना कृतित्व प्रस्तुत करते थे, झांकियाँ प्रस्तुत करते थे देवताओं के शिव तांडव आदि के रूप में, मेरी शुभकामना है कि वो जो है इसके माध्यम से वो प्रथम आवें। अभी मेरा जो कंसंट्रेशन था वो पूरा पूरा एक्टिंग को लेके था। मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, थिएटर करता हूँ और भरतनाट्यम का स्टूडेंट हूँ BHU का। अभी सेल्स का बाजीगर आ जाने से मैं सेल्स के बाजीगर में आ जाने से मैं पथ भ्रष्ट हो गया हूँ, मगर इस सेल्स का बाजीगर मुझे एक पहली बात तो मुझे नेम दे रहा है, नाम दे रहा है, फेम दे रहा है, टीवी के माध्यम से मैं आप लोगों तक हूँ और मनी भी दे रहा है। इतना 10 लाख का पैकेज छोटा पैकेज नहीं होता है, विन करना है मुझे, आगे जाना है, तो ये सेल्स का बाजीगर मेरे लिए मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेहनती और परिवार के लाडले ये हैं रऊफ अहमद। अच्छी आदतें तो इसकी सिर्फ इतनी ही थी कि ये सिर्फ पढ़ाई में मगन रहता था। बचपन से बहुत शौक था इसको पढ़ने का, तो इसी ने मुझे मजबूर किया मुझे बाहर भेजो। हमारे गांव वाले भी सारे खुश है, हम सब चाहते हैं कि ये टॉप 10 में आ गए हैं, अब नंबर 1 पर आए। इसने बहुत मेहनत की है, हमने भी मेहनत की है इसे पढ़ाने में, बस ये सेल्स का बाजीगर बन जाए यही दुआ है हमारी। उम्मीद तो करते हैं कि ये जीत पाएगा क्योंकि इसने सेल्स का बाजीगर में अपने आप को टॉप 10 में डाल दिया है, तो इंशाल्लाह ज़रूर ये अव्वल नंबर पर पहली पोजीशन हासिल करेंगे इसमें। तो दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो नंबर 10 में अपनी जगह पाई है इस पर हमें बहुत फख्र है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और इसकी और ज़्यादा तरक्की हो इससे भी ज़्यादा। बहुत खुश हैं हम क्योंकि सब कुछ हमारे बड़े भैया ने किया है, क्योंकि ये दिन भर मजदूरी करते थे और इनको पैसे बेचते थे,
और अपने पापा की दुआओं की वजह से ये हुआ है। खुशी तो समझो इतनी मिली किस मन में ना समाए। Presenting sponsor SuCamp in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Foot Fashion. आइए डालते हैं एक नजर वैभव कौशिक की दुनिया पर। उसके अंदर जो सारी एबिलिटियाँ आई, ग्रेजुएशन तक तो बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब से वो एमबीए में आया तब से मिस्टर फ्रेशर बनना, उसके बाद मिस्टर फेयरवेल बनना, उसके बाद कॉलेज में कोई भी कंपनी आना उसका सेलेक्ट हो जाना, तो उसके अंदर क्षमता तो पहले से ही थी। पहले से ही मतलब बचपन से ही तो कर रहा था मैं अपना पोल्ट्री फार्म खोलूँगा, मतलब गाय भैंस का बिजनेस करूँगा, लेकिन अपना बिजनेस करूँगा। और यहाँ से उसे जैसे उसका पहले से मन था कि मेरी टीवी पे फोटो आए, पेपर में नाम निकले, इस सब चीज़ों का उसका पहले से मन था। अगर बात करते हो तो बचपन से तो मैं इनके साथ नहीं हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से मैं इनके साथ हूँ। और 10 साल में जब इन्होंने इंटर कंप्लीट किया उसके बाद से इनके पास चॉइस नहीं थी अच्छी, तो इन्होंने बीए किया, उसके बाद एमबीए किया, और एमबीए करते इनकी लाइफ में बहुत ही अच्छा चेंज आया। ये एक तरह से आप कह सकते हो अर्श फर्श से अर्श की ओर बढ़ने लगे। इंटर किया उसके बाद बाहर जाना चाहता था कि हम जाएंगे पत्रकारिता में, तो मतलब जा नहीं पाया। उसके बाद हम लोग यहाँ बीए कराए उसको, लेकिन उसमें भी उसका मन नहीं लगता था, सोचता था कि हम कहीं बाहर ही जाके पढ़ें। तो फिर एमबीए किया वहीं पे, मतलब गया तो सब चीज़ में भाग लेने लगा, सब में पहला स्थान उसका मिला। दो साल पहले मेरे लाइफ का कुछ खास एम डिसाइड नहीं था कि मुझे करना क्या है। मैंने सोच रखा था कि मैं एक डेयरी खोलूँगा और गाय को पालूंगा और दूध का बिजनेस करूँगा, ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती थी। लेकिन दो साल बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मैंने आपको अपने आप को बिल्कुल ही बदल दिया और एक अच्छी लाइन में मैंने एमबीए करने का फैसला किया। वो फैसला आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी सही फैसला था। जब से SuCamp इन्वर्टर के थ्रू क्या कहते हैं ETV का ये शो आया, तो उसे लगा कि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और हम लोगों ने भी उसे पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, 10 लाख की नौकरी थी, और इससे उसका मन काफ़ी उसके तरफ प्रेरित हुआ। तो तब से उसका मन हुआ कि मैं इसमें जाऊँगा और इसमें सेलेक्ट होऊँगा। हम चाहते हैं कि मतलब सबसे आगे रहे और अपने पैर पे खड़ा हो जाए, सब अपने से संभाल सकें अपने आप को। बस दुआ करते हैं फर्स्ट आ जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चुलबुली अंकिता, कैसी है इनकी जिंदगी, आइए इनके परिवार से सुनते हैं। कड़ी मेहनत, लगन और मतलब इसका हर चीज में सफलता की ओर ले जा रहा है, यही एक रात शुरू से ही, जैसे कि आज ये जिस भी मुकाम पे है तो इसी वजह से है कि कड़ी मेहनत और आगे बढ़ती जा रही है और जीवन में हर जो कुछ करना चाहती है वो करके रहती है। बहुत ही अच्छा फील होता है, सबको बताते हैं, मेरी बहन टेलीविज़न पे उसका शो आता है, बहुत अच्छा लगता है। टॉप 10 में आई गई, हम ये चाहेंगे वो अपने मैनेजमेंट में 10 सालों में टॉप में पहुँचे। अंकिता ने जब से ही कॉलेज ज्वाइन किया है तब से वो बहुत ही ज़्यादा होनहार स्टूडेंट रही है। जब से मैं उसको 3 साल से पढ़ा रही हूँ, उसने BBA भी यहाँ से किया, फिर MBA भी यहाँ से किया, तो जब से वो कॉलेज में है तब से मुझे पता है उसके अंदर टैलेंट है, वो कुछ भी नया करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारे बीच की ही अंकिता जो है, जो कि हम लोग की बेस्ट फ्रेंड्स है, और वो आज सेल्स का बाजीगर में इतनी आगे पहुँची है, तो हम लोग की शुभकामनाएँ उसके साथ में हैं और हम चाहते हैं कि वही जीते। फर्स्ट मैं चाहती हूँ कि वो विनर हो, क्योंकि उसके अंदर वो विनिंग स्पिरिट है जिससे वो जीत सकती है प्रोग्राम। और अगले 10 साल में चाहती हूँ कि वो SuCamp के टॉप मैनेजमेंट में से एक हो, और हम सब चाहते हैं कि वो सेल्स का बाजीगर बन के ही लौटे वापस कानपुर और हम सबका नाम रोशन करे। सेल्स का बाजीगर जो ये इवेंट है ये अंकिता ही जीतेगी, और मेरी सारी शुभकामनाएं मेरे साथ साथ मेरे कॉलेज की जितनी फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स है उनकी सबकी शुभकामनाएं अंकिता के साथ। अंकिता ही बनेगी सेल्स की बाजीगर। आयुष सबरवाल के बड़े बड़े सपने हैं, आइए डालते हैं एक नज़र इनकी दुनिया पर। बचपन में स्कूल के हर एक्टिविटी में पार्ट लेना, जैसे स्विमिंग, स्केटिंग एंड क्रिकेट वगैरह, हर चीज़ में बहुत अच्छा था, बहुत खुश रहने वाला बच्चा था और बहुत हंसता था। ये आगे बहुत ग्रो करेगा अपनी लाइफ में और किसी भी अच्छी कंपनी में बहुत टॉप पोजिशन पर पहुँचेगा जाकर ये।
और हो सकता है कि शायद सुकैम में बड़ी अच्छी पोजीशन पर जाए। आयुष है बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही अच्छा बच्चा रहा है बचपन से, एंड हैंडसम तो है ही, उसके अलावा बचपन से बड़ा हार्ड वर्किंग और बहुत ही अच्छे नेचर वाला बच्चा हमेशा हमारी फैमिली का रहा है। मम्मी पापा ने बहुत अच्छी तरह केयर किया बचपन से लेकर आज तक, बट अब मुझे लगता है कि अब मेरी वो एज है, अब मेरा वो टाइम है कि जब मुझे अपने पेरेंट्स को अपनी स्किल्स है उनको आगे प्राउड फील कराना है। फ्यूचर में बहुत ऊपर जाएगा ये, जो काम ये पकड़ता है उसमें सबसे टॉप पर ही आता है। Presenting sponsor SuCamp in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Foot Fashion. पिछले हफ्ते मेगा ऑडिशन में चुने गए फाइनलिस्ट अब आए हैं इस ग्रूमिंग सेशन के लिए। जी हाँ, यहाँ वो सीखेंगे हमारे एक्सपर्ट से सेल्स के दाव पेच। भाई 10 लाख की नौकरी का सवाल है, कुछ चालें तो चलनी ही पड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे सेल्स की दुनिया के जाने माने नाम कौस्तुभ धारगलकर से और जानते हैं उनके पास क्या खास है हमारे 10 धुरंधरों के लिए। कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू आर द बेस्ट फ्रॉम यूपी उत्तराखंड इन दिस प्रोग्राम सुकैम प्रेजेंट्स सेल्स का बाजीगर बाय ईटीवी। सो लेट अस सी, अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? हस्बैंड सर। ये अगर आपको बेचना है तो व्हाट विल यू? प्रोडक्ट। व्हाट विल यू, हाउ विल यू सेल इट? इट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम आवर कंपनी दैट्स मेड आउट ऑफ अनब्रेकेबल प्लास्टिक एंड वी हैव मेड इट इन सच अ वे दैट इट्स नॉट ओनली यूज फॉर कलेक्टिंग रबिश बट यू कैन यूज इट फॉर कलेक्टिंग एनी ऑफ योर स्टफ। इट्स नॉट ओनली, वी सेल इट विद एन एम दैट डोंट कलेक्ट ओनली वेस्ट बट ऑल्सो कलेक्ट समथिंग यूजफुल। ये देता क्या है कस्टमर को? सर, इट gives value to the customer, means whatever he is giving to us, he is giving his money. So in when someone is giving you money, you will have to give him value for that money. And बराबर, तो value अभी इसमें dustbin में value क्या है? So value is hygiene, cleanliness, okay? ठीक है। So we can show it in a very different angle also. We will say that it not only promotes cleanliness, it also is very convenient. Like it is given a foot lever where you can push it. ये features हो गए उसके, but basic basic customer का क्या आप satisfy करते हैं? Hygiene and cleanliness. Hygiene and cleanliness, बराबर। तो अभी basic एक principle याद रखिए, don't sell, let the customer buy. समझे? आप कस्टमर को ऐसा करके दवाई नहीं डाल सकते। वो अगर चाहता है ठीक होना तो ही वो दवाई लेगा, राइट? नॉर्मली कंपनीज में टारगेट दिया जाता है, तुम इतना बेचना ही है इस महीने में। वो मैनेजर देता है उसके सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट देता है टीम्स को, रिप्रेजेंटेटिव को, और इकट्ठे होके टारगेट्स मीट होते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्स शुड नॉट बी लाइक दैट। हर कोई बेचना चाहता है जो मैं बनाता हूं, लेकिन कितने लोग हैं जो वो चीज बनाते हैं वो जो कस्टमर को चाहिए? बहुत कम कंपनीज हैं, राइट? एंड योर एटीट्यूड शुड बी टू मेक व्हाट पीपल वांट, टू सेल व्हाट पीपल वांट, नॉट सेल व्हाट यू वांट, राइट? बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस, राइट? अभी आप कोई फेंस है समझो, फेंस, फेंसिंग इक्विपमेंट जो तार लगाते हैं, अगर वो आप कोई किसान को बेचते हैं तो क्या बेच रहे हो? सिक्योरिटी ऑफ हिज फार्म, सिक्योरिटी ऑफ हिज फार्म, सिक्योरिटी फॉर हिज एनिमल्स, करेक्ट? सो अभी समझ में आ रहा है, वो फिर तार को 4 पॉइंट्स है या 10 पॉइंट्स है, या फिर वो चोर जो तार क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसको इतना खून बहेगा, इससे मतलब नहीं है। यू आर सेलिंग सेफ्टी सिक्योरिटी, नॉट द बार्ब वायर, तार नहीं बेच रहा। हमेशा अपना बिजनेस क्या है, जिस भी कंपनी में जाओगे, सुकैम में रहोगे, कहीं और जाओगे बाद में, पता नहीं कहाँ, लेकिन वो बिजनेस, वो कंपनी कस्टमर को क्या सुविधा ऑफर करती है वो देखिए,
और उसकी वजह से आपको काफ़ी आइडियाज मिलेंगी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस वो कंपनी और क्या कर सकती है। समझ गए आप बात समझ में आई। नॉर्मली सेल्स किस चीज से ड्रिवन होता है? नंबर्स, इतना बेचो इतना बेचो इतना बेचो ये बेचो वो बेचो। मार्केट आप कैसे डिटरमिन करते हो? इस मार्केट में इतने लोग हैं, इतने पॉसिबल कंज्यूमर्स हैं, इतने पॉसिबल कस्टमर्स हैं, बराबर। कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है और एक्चुअल रियलिटी क्या है वो समझना चाहिए। मे भी आपका बॉस नहीं समझेगा, सिर्फ नंबर समझता है वो या समझती है, लेकिन आपको फील्ड में रह के कस्टमर के दिमाग के अंदर घुस के वो समझना चाहिए कि वो उसकी जिंदगी क्या है। दूसरी एक चीज, जब आप कुछ बेचते हो कस्टमर, उसके तुरंत पहले और तुरंत बाद में क्या होता है ये देखो। अभी हम कुछ पैकेजिंग मशीन्स बेचते थे, पैकेजिंग मशीन, तो उसके लिए कुछ पैकेजिंग फिल्म वगैरह भी लगती थी। वो ऑब्जर्वेशन ये था कि हम पैकेजिंग मशीन बेचते हैं लेकिन उसको वो फिल्म जो चलनी है मशीन में वो लेने के लिए और कहीं से 50 जगह जाना पड़ता है या इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो डज इट मेक सेंस कि हम ही कुछ नेटवर्क हमारा क्रिएट करे और उसको मशीन के साथ वो फिल्म भी बेचे, हमें भी धंधा ज़्यादा मिलने वाला है, कस्टमर भी खुश। वन विंडो क्लियरेंस सबको चाहिए ना। आपको कभी बैंक में जाते हो तो भी ये विंडो वो विंडो जाना अच्छा लगता है? एक ही बार हो जाए किस्सा खत्म। करें आप ही हो वो विंडो कस्टमर और आपकी कंपनी के बीच में ना। उसकी जितनी नीड्स आप सेटिस्फाई कर सकते हो उतनी लॉयल्टी बार बार वो अपने आप पास ही आते रहेगा और कहीं देखेगा नहीं। करेक्ट। और इसके लिए सब लोग बोलते हैं किल कंपटीशन, किल दिस किल दैट, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कस्टमर को समझ के कीजिए, अपने आप यू विल बी नंबर वन, कंपटीशन हमेशा आपके पीछे रहेगी, ये याद रखो। अभी सेक्शन बी, सेल्समैन की क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। लिसनिंग केयरफुली, बहुत केयरफुली लिसन करना चाहिए। जो भी हमने सेक्शन ए में बोला, बिजनेस कैसे होता है, कस्टमर को कैसे समझा जाए, ऑब्जर्व कीजिए। ये एक कस्टमर को मिड सेंटेंस काटना नहीं है, वो क्या बोल रहा है, उसका अराउंड सराउंडिंग क्या है, फोन पे क्या बात हो रही है उसकी, सब समझना बहुत जरूरी है। लिसन केयरफुली, वेरी केयरफुली। यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मतलब कस्टमर को की नीड्स क्या है वो समझ के उसको क्या चाहिए वो देने के लिए आप कंसल्टेंट हो, सेल्स पर्सन नहीं हो। बिल्कुल, कस्टमर को कभी नहीं दिखाना कि हमारा क्या लालच है, हम क्या चाहते हैं। बिल्कुल, उसको एंड तक नहीं पता होना चाहिए। दिखाना मेरा कहना है कि आपका होना भी नहीं चाहिए लालच, वो टारगेट वर्गेट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सो आई हैव वन क्वेश्चन, यू व्हेन यू से नॉट अ सेल्स पर्सन बट अ कंसल्टेंट, बट when you are selling something and you know somewhere down the line that you have to sell it and you also know that there are other products who might be delivering better, now you are saying be a consultant, drive their needs and try to make them understand what their needs are and then show them your product, but somewhere down the line you have to be your product centric also, that this is my product and cool. But then you have to be a salesperson somewhere down the line, not only the consultant, because a consultant, when you go to a consultant, he will give you many options. These are the options. If I start giving him options, being a consultant, I'll somewhere lose the sale of my own product. So, solution batao. If you, aap agar koi substandard product bech rahe ho, to company chhod ke achhe company mein chale ja. That's what I was just about to ask. If you are not convinced, how will you sell it? आप बेवकूफ बनाने के धंधे में नहीं हो ना। प्लीज अंडरस्टैंड दैट द कस्टमर इज नॉट अ फूल। कस्टमर को समझना चाहिए क्या आप बेच रहे हो, उसकी नीड समझो एंड बिल्कुल टू द पॉइंट रहना जरूरी है। Presenting sponsor SuCam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Foot Fashion. ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और चलिए अंदर चल के देखते हैं कि कौस्तुभ जी से हमारे कंटेस्टेंट्स ने क्या क्या टिप्स ली हैं।
अभी ये जो हमने सुना उसको हम एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम कितने 9 लोग हैं ना, तो 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, 1-2-3। चलो खड़े हो जाओ इधर कैमरा के सामने, इधर खड़े हो जाओ आप, 1-2-3 इधर आ जाओ, और आप 1-2-3 इधर आ जाओ। ओके, तीनों ग्रुप्स अलग अलग हो जाएंगे। कौन सी टीम अंदर रहना चाहती है, 2 टीम बाहर जाएंगी, कोई भी। चलो आप अंदर रहोगे, मैं आपको कुछ एक चीज़ दूंगा, उसके बाद दूसरी टीम अंदर आ जाएगी। पहली टीम बिना मुंह खोले वो क्या है वो इनको बताएगी। डम शराट्स खेले हो? Yes, sir. हाँ, वो करना है। ओके, उसके बाद दूसरी टीम ने जो समझा पहले टीम से, जो कुछ समझा वही चीज तीसरी टीम को बेचेंगे, ठीक है। आपको 5-5 मिनट दिए जाएंगे, 5 मिनट सोचने के लिए, 3 मिनट समझाने के लिए, समझने के बाद आपको 5 मिनट सोचने के लिए, और फिर आने के बाद 3 मिनट इनको इनको बेचने के लिए, ठीक है। समझ, रूल समझ में आ गए? तीनों टीम को मिला के जो कुछ इंसेंटिव हो वो बांटा जाएगा, तो टीम वर्क है ये। इन्होंने गलत इनको समझाया तो सब सफर होने वाले, इन्होंने कुछ ये बीका नहीं इनसे तो सब सफर होने वाले, ठीक है। और आपका आइटम है ये आपका ऑब्जेक्ट है, 5 मिनट लीजिए, कैसे बिना मुंह खोले, बिना कुछ ड्राइंग किए, बिना कुछ लिखे, ये आइटम दूसरी टीम को समझाना है क्या है, ठीक है, 5 मिनट इनको। हमारी टीम भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गई। अब टीम 2 अंदर आई है, आपको 3 मिनट है इनसे समझने के लिए वो क्या आइटम उनको दिया था। आपके 3 मिनट शुरू। तुमने जमीन में खोद के डाल दिया, फिर उसमें से प्लांटेशन कर दिया, फिर उसमें तुम्हें पेड़ उग गया, पेड़ के तुमने फल तोड़े, तुम टोकरी में डाला और तुम मार्केट की तरफ जा रहे हो। ओके, मींस यू आर द सेलर एंड ही इज द कस्टमर। हां, कस्टमर, शी इज द कस्टमर। वो 5 रुपए की कह रही है और तुम तोल रहे हो, और तुमने तोल के उसको दे दिया, और वो घर ले गई, पैसे पूछ रहे हो। घर में वो वॉश कर रही है, धोई, मूली धो रही है, वो मूली गाजर काट रही है, काट रही है। ओके, फिर उसने गैस पे रखा, गैस पे रखा, बनाया बनाया। ओके, फिर उसने परोसा, सर्व किया, फिर घर में दिया अपने, और पति हैं जो थके हुए हैं, हाँ, उनको खाना आपने दिया। ओके ओके, फिर पति ने खाया, चखा, उसकी ताकत बन गई। मींस ये लौकी थी जो इनको काफी फायदा कर रही है, और ये मतलब उससे ताकतवर बन रहे हैं, इनके लिए काफी हाइजेनिक, हाइजेनिक लौकी। ओके, हरी सब्जी थी। ओके ओके ओके, लौकी तो नहीं हो एक्चुअली, सब्जी, फल, गाजर। ओके, लौकी, कोहड़ा, सरपुतिया, नेनुआ, गाजर, करेली, नेनुआ, सरपुतिया, नेनुआ, नेनुआ। ओके, नेनुआ। तो टीम 1 और 2 तो पास हो गई, अब बारी है टीम 3 की। चलिए देखते हैं कि सेल्स के बाजीगर में कितना दम है। उजैल, आशुतोष और ऋषि कस्टमर है, ये सेल्स वाले लोग हैं, अब जो है वो बेचिए। चलिए, हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू आवर शॉप, बाय टिकाओ, मस्त हो जाओ। हमारे एक प्रोडक्ट है, इसको हम तोरी भी कहते हैं, कुछ लोग नेनुआ कहते हैं, और ये है प्योर बायोटिक। इसका शेप छोटा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बिकॉज ये प्योर है, इसमें कोई सिंथेटिक फाइबर नहीं यूज किया। मैम आप ये कैसे कह सकती हैं ये प्योर है, यानी कि जो अदर प्योर्स होते हैं जिसमें खाद यूज नहीं होती, सपोज उसमें खाद यूज ही नहीं हुए, एकदम प्योर है, तो उससे आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो सेम ही दिखता है ना, फिर आप कैसे बता सकते? और मैम टेढ़ा मेढ़ा और हरा से तो हम कैसे मान लें कि ये प्योर है? सर मैं ये नहीं बोला कि खाद नहीं है, मैंने बोला ऑर्गेनिक खाद है, सिंथेटिक नहीं है, जो जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा और इजिली डाइजेस्टेबल है। आप सिंथेटिक यूज करेंगे मे बी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, सो ये फाइव। आपकी बात बिल्कुल समझ गए हम, ये जो आप एनर्जी का जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं, जो आप कह रहे हो एनर्जी आएगी, वो आप एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं? देखिए वो हाँ समझ गया, खाद बिल्कुल फ्रेश फ्रूट, तो आप एनर्जी के लिए कुछ आर्टिफिशियल डाल रहे हैं इसमें? नहीं, मैं वही बताना चाह रही हूँ सर कि जो एनर्जी होती है किसी भी प्लांट में ना, जो प्योर खुद से वो ग्रो करती है, ज़्यादा सिंथेटिक ना डाल के जो ग्रो करती है उसमें एनर्जी वो प्योरली। चलो आपके 5 मिनट खत्म, आप खरीदने वाले हो? सर प्रोडक्ट ही इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया कि प्रोडक्ट है क्या एक्चुअली अभी तक। चलो अभी बैठ जाते हैं और देखते हैं क्या क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। आप
ऑफेंस गाइस प्लीज एवरीबॉडी सब लोग अपना अपना व्यू पॉइंट देंगे सर हमने ऑब्जेक्ट क्या था सर नेनुआ तोरी तीन नाम है और सर हम लोगों ने इसको एक एक्ट के माध्यम से बिना कुछ कहे बिना कुछ बताया उसकी बखूबी उसको प्रेजेंट किया उसकी सारी खूबियों को हम लोगों ने बताया कि अभी सेकंड टीम ने जो सारी चीज़ें की वो एक दूसरे से डिबेट कर रहे थे ये नहीं ऐसा है आप खाद का वो कर रहे हैं वहाँ पे सर कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो गई पता चला वहाँ पर खाद बिकने शुरू हो गए थे और प्रोडक्ट गए सो कहीं ना कहीं आपने बिना ज़्यादा सोचे ये कहीं ना कहीं यूज़ किया ना ये प्रिंसिपल यस सर फीचर्स एडवांटेजेस बेनिफिट्स और वैल्यू सर और वो कम्युनिकेट हो गया तभी दूसरी टीम ने वो गेस कर लिया अभी दूसरी टीम ने प्रोडक्ट दिखाने में पता नहीं पहले 3 मिनट गवा दिए यस सर मैंने कहा तोरी या मैन्योर फर्टिलाइजर जो आप बेच रहे थे हाँ तोरी बेच रहे थे ना अच्छा अच्छा एक्चुअली इसमें क्या बेच रहे हो आप एक्चुअली सोचो जो पहला सवाल था हाँ वही मैं व्हाट बिजनेस आर यू इन एक्चुअली क्या बेच रहे सर न्यूट्रिशियस फूड हेल्थ बड़ा हेल्थ बेच रहे हो आप समझ में आई बात राइट ऑलराइट तो इस पे ये एक्सरसाइज क्लोज करते चलो ऑल द बेस्ट थैंक यू सर का बहुत ही अहम हिस्सा शुरू होने वाला है फील्ड पे जाओगे यस सर लिबर्टी में गए थे शोरूम्स में गए थे कल सुकैम डीलर्स के पास जाओगे यस सर इस बारे में सब सोचो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी निकालो रिसर्च करो क्यों लोग प्रोडक्ट्स वो सुकैम के यूज करते हैं इन्वर्टर हो या सोलर पैनल्स हो या जो भी हो अंडरस्टैंड फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू ओके प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट लेकिन लॉट ऑफ प्रैक्टिस ब्रेक तो लेना पड़ता है वरना सांस कैसे लेंगे तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं और फिर चलते हैं हमारे ग्रूमिंग सेशन की ओर Presenting sponsor, SuCam, in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor, Liberty Foot Fashion. सेल्स के दाव पेच तो हमारे कंटेस्टेंट्स ने सीखे देखते हैं वो इन्हें कैसे आजमाते हैं लेकिन एक अच्छे सेल्समैन बनने के लिए एक गुण की और आवश्यकता होती है वो है अपने प्रेजेंटेशन पर एटिकेट्स पर आइए हम मिलते हैं हमारे लिबर्टी की तरफ से आए हुए एक ग्रूमिंग एक्सपर्ट से जो हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ शेयर करेंगे कुछ टिप्स मेरा नाम आशीष सुधांश है मैं प्रोफेशनल डिजाइनर हूँ और हम यहाँ बात करेंगे फैशन के बारे में तो आप लोग क्या समझते हैं क्या है फैशन सर एक आउटलुक है एक स्टेट ऑफ माइंड है एक फील है फैशन हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद द थिंग यू वांट टू प्रेजेंट बिल्कुल सही फैशन यही है कि आप अपने आप को विजुअली किस तरह से प्रेजेंट करते हैं इन अ प्लीजिंग फॉर्म इन अ प्लीजिंग मैनर कि आप के पास लोग अट्रैक्ट हों आप लोग जैसे कपड़े अगर पहन रहे हैं तो किस तरह की शर्ट्स पहनना चाहेंगे किस तरह की पैंट्स पहनना चाहेंगे लेडीज़ क्या पहनना चाहेंगी सर किस तरह की शर्ट और पैंट्स जहाँ तक सवाल है इट्स अ क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू देर आर टू काइंड ऑफ फिट्स वन इज द रेगुलर फिट एंड वन इज द स्लिम फिट We think that we look a little better in the slim fits, but I'm just my question here is that what does it portray when you go in a slim fit? You look smart and crisp, but you look a little too stylish. So is it wrong being in a sales profession? No, looking stylish is not incorrect at all, obviously. But if you are physically fit to carry out slim fitting clothes, like आपकी अगर physique आपको allow करती है कि आप slim fit clothes पहनिए, तो obviously that's the best thing to do. But if it does not allow, if you're not physically fit to carry out the slim fit clothes, whether it's slim fit shirts or slim fit trousers, tapered pants, or slim tie, तो आप लोग वो ना पहनिए. फिर जो regular है, आप वो पहनिए. Being a salesman, we have to wear formal shoes, and formal shoes usually come with a heel, and you know, so it gets a little not heel, but the sole is a little hard. I want to know about an alternative when you're walking down the street for the whole day. What is the alternative to such shoes, and when it comes to formal dress? And what can be done in that case? See, formal dressing में ये तो ज़रूरी है कि हाँ आपको formal shoes पहनने चाहिए आप लड़कों तो लड़के हैं तो हम लोग के पास तो benefit है कि हम लोग फिर भी shoes पहन सकते हैं Just imagine women, they have to stand and walk in heels all the time.
हम लोग ज़्यादा डिस्कम्फर्ट उनको है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वन टू बी लुकिंग फॉर्मल, दे हैव टू वेयर हील्स, स्पेशली वेमेन. Men, I think if you buy a good pair of shoe, it does not, I mean, whether it has heels or no, it, I'm sure wo comfortable zarur hote hain. Matlab zaruri nahi hai ki agar kisi shoe mein heel hai to wo comfortable nahi hoga. Sir, shoes ke color kya hone chahiye sir? Shoes ka color hona chahiye jo aapka belt ka color hai. Agar aapne black belt pehni hai to aapka shoe black hona chahiye. This is extremely important. Aapke kapde jis tarah ke aap pehne hain, us hisab se hi aapke belt aur shoes hone chahiye. Aap ब्राउन पैंट पहन के काले जूते नहीं पहन सकते. मेरा ये क्वेश्चन है कि जब फीमेल्स की बात आती है तो और शूज़ की बात यहाँ पे आ रही है तो एक हील्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सेल्स वुमेन अगर जा रही है तो हील्स पहनना है. इन दैट केस की जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है हील्स में, देन व्हाट अब उसमें दो तीन ऑप्शन है आपके पास. या तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप आउटडोर सेल्स में हैं तो आप अपने साथ यू कैन कैरी अनदर पेयर ऑफ शू जो फ्लैट है, आप वो पहन के आप जा सकते हैं. बट जैसे मीटिंग आपकी शुरू हो रही है, आप किसी से इंटरेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, आप उसे पहले चेंज कर लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए. बट देखिए, ये जाहिर है कि हील्स पहने के तो ज़्यादा एक ग्रेस आती ज़रूर है. हाँ, उसमें यह है कि आप उसमें चूज़ कर सकते हैं कि आप बजाय इसके कि आप जो पॉइंटेड हील्स होती हैं वो पहने, पेंसिल हील्स के बजाय आप वेजेस पहन सकते हो, प्लेटफॉर्म हील्स पहन सकते हो जो ज़्यादा थोड़ी कंफर्टेबल होती हैं. और ज़रूरी नहीं कि आप 6 इंच हील्स पहनिए, आप मे बी 2 इंच पहन लीजिए, एक थोड़ा सा तो गेट आ ही जाता है उसमें. सर, मेरा ये पर्सनल मानना है कि मेरे लिए कि मैं थोड़ा फेशियल हेयर अगर हो तो वो थोड़ा मेरे पे सूट करता है, थोड़ा भी अगर वो सिर्फ पैचेस में हो या फॉर एग्जांपल अगर, तो कितना सूटेबल इनफ रखता है या और या इट डिपेंड्स कि आप किस इंडस्ट्री में हैं. हाँ, ये तो है. किस तरह का फेशियल हेयर आप रख रहे हैं वो डिपेंड करता है, आप मूछें रख रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, वो तो अलग बात है. फिर वेल ट्रिम्ड होगा तो सब सही है. बट अगर आप ऐसा लुक लेके आ रहे हैं कि आपने 2 दिन से शेव नहीं किया और आप जल्दी में आ गए हो, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है. बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस पोस्चर में हमें खड़ा रहना चाहिए? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि आप किस तरह से बॉडी लैंग्वेज में खड़े हैं, क्योंकि कई बार आप अगर ऐसे ऐसे खड़े हो, यूं करें कि ऐसे हैं, तो आपको जाहिर में लगता रहता है कि अच्छा ये कॉन्फिडेंट नहीं है. आप हाथ बांध के खड़े रहिए या फिर अपने सीधे हाथ रखिए. अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं, आप हाथ बांध के बैठिए. जेब में हाथ डाल के ना किसी से बात कीजिए, ना किसी की बात सुनिए, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है. आप इस तरह से बैठेंगे तो लगेगा कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप बात नहीं सुनना चाहते या आप नाराज़ हैं. तो जितना आप प्लीजिंग बैनर बैठे हो उतना बेहतर है. गर्ल्स को अगर वो चेयर पे बैठ रहे हैं तो आई थिंक लेग्स शुड बी क्रॉस लाइक दिस, जैसा बैठे हैं ऐसे ही बैठना चाहिए. और बिल्कुल पोस्चर स्ट्रेट हो है लाइक दिस एंड वी स्टार्ट टॉकिंग. और अगर टेबल है तो डेफिनेटली हमको वी कैन यू नो हम अपना हाथ को वहाँ रख सकते हैं एंड फिंगर क्रॉस समथिंग लाइक दैट, द सेम प्रोसीजर. तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को सब ठीक लगा आज का, एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को समझ आया फैशन के बारे में, हाउ इंपॉर्टेंट फैशन इज. वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू. हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई सपना देखता है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलना आसान बात नहीं है. यहाँ यही हो रहा है. सारे कंटेस्टेंट्स बनना चाहते हैं सेल्स का बाजीगर, जीतना चाहते हैं 10 लाख का पैकेज, लेकिन अभी वो गुजर रहे हैं एक ट्रेनिंग सेशन से जिनके 2 पड़ाव वो पूरे कर चुके हैं, लेकिन 1 पड़ाव बाकी है. चलिए हम मिलते हैं अपने अगले सेशन एक्सपर्ट से. इस पॉड का नाम है जिसको हमने दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, जो आपके होम की लाइट को सोलर के थ्रू जनरेट कर दे. इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं चाहिए. ये छोटे घरों के लिए है, उन घरों के लिए जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो गांव में है, पहाड़ों पे है, वो पहुँच नहीं सकते शहरों में, या लाइट जाती है तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए जाती है. हम लोगों ने इसमें एक LED बल्ब दिया है जिससे घर की लाइट भी पूरी रहे और लाइफ भी ज़्यादा रहे. ये जो इसके साथ एक सोलर पैनल आता है, ये 10 वाट का पैनल है. 10 वाट का पैनल सफिशिएंट है इस प्रोडक्ट को चार्ज करने के लिए. ये प्रोडक्ट एक इसमें मोबाइल चार्जिंग फंक्शन दे रखा है हमने. अगर आप सब कुछ चलाते हैं, दोनों लाइट जलाते हैं, रेडियो भी चलाते हैं और ये दोनों बल्ब जलाते हैं, तब आपका पूरे लोड पे बैकअप जो है 15 घंटे का आता है. दरअसल ये लोग सुकैम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इन पार्टिसिपेंट्स को इंडोर्स करेंगे अपने 3 इन्वर्टर्स से और देंगे इनके बारे में गुरु ज्ञान. आगे आने वाले राउंड में इन्हें यही इन्वर्टर्स डीलर्स को बेचने होंगे. आज तक किसी ने छोटे होम UPS के अंदर सोलर का फीचर्स कभी नहीं डाला है, और आज पहली बार सुकैम ने इनोवेशन किया है छोटा प्रोडक्ट विद सोलर UPS के साथ. इसमें आप 240 वाट का पैनल लगा सकते हो और आपका जो घर का जितना भी लोड है वो सोलर से चला सकते हो. सुकैम ने एक स्माइली प्रोडक्ट निकाला है विच इज़ अ साइन वेव UPS. जो भी आपकी नॉइज आती है पंखे या जैसे लाइट में आवाज़ आती है, वो इस साइन वेव UPS में नहीं आएगी. और एक मेन फीचर है, ये प्लास्टिक बॉडी में निकाला है. आप कहीं पे भी टच करें,
आपके जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में घूम रहे होते हैं, टच कर देते हैं गलती से, तो उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपकी क्रिएट नहीं होगी। रिगार्डिंग वारंटी आई विल टेल यू कि हम इस पर 2 साल की वारंटी दे रहे हैं और 7 साल की गारंटी दे रहे हैं ट्रांसफार्मर पे, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग इन द मार्केट। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो 7 साल की गारंटी दे रहा है। सुकैम प्रेजेंट CTV सेल्स का बाजीगर का सफर जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही कठिन होता जा रहा है। क्यों भाई, मंजिल 10 लाख तक की है, 10 लाख की नौकरी पा सकते हैं आप, तो ये सफर थोड़ा तो कठिन होगा। हमारे सारे कंटेस्टेंट्स रेडी हैं प्री और ग्रैंड फिनाले के लिए, तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होने वाला है। सुकैम प्रेजेंट CTV सेल्स का बाजीगर के पर्दे के पीछे की हलचल जानने और ढेरों इनाम जीतने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज ETV इवेंट्स पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सुकैम इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फुट फैशन।